Two similar conductors' spheres having charges plus q and minus q are placed at separation d from each other in air. The radius of each sphere is r. Separation is very, very larger than r. Calculate the capacitance of the system. सिस्टम का कैपेसिटेंस जानने के लिए हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उनकी कैपेसिटी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना? पर इनका पोटेंशियल कनेक्टेड है, तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो इनके कनेक्शन की वजह से कम हो जाएगा, राइट? अगर मैं इस एक चार्ज की बात करता हूँ तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर. ये तो इस एक साइड का वोल्टेज आ गया, ठीक है. और अगर मैं सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल माइनस वी बी नेगेटिव हो जाएगा. बेसिकली आप यहाँ पे खाली प्लस वी बी लिखोगे तो उसकी वैल्यू माइनस के क्यू बाय आर आ जाएगी, है ना. चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि साइज सेम है दोनों का. तो जो आपका चेंज इन पोटेंशियल है, वो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाता है? देखिए, वी ए माइनस वी बी, ये हो जाता है टू के क्यू बाय आर. और क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल ऐसा है, तो जब आप कैपेसिटेंस निकालोगे जो कि चार्ज अपॉन चेंज इन पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे आर बाय टू के वाली टर्म आ जाएगी या फिर टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर टर्म आ जाती है. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर.